महाभारत 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 की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी देता गवाही देखो गंगा यमुना का पानी देता गवाही देखो गंगा यमुना का पानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी देता गवाही देखो गंगा यमुना का पानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी 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 वासुदेव ने कहा अर्जुन से इस पे तीर चलाओ वो रथ पे नहीं है कैसे चलाओ वासुदेव बतलाओ अर्जुन कहे रथ टूटा उसका कैसे तीर चलाए वासुदेव कहे वो क्यों ना अपना दूजा रथ मंगवाए युद्ध में रथ टूटते रहते हैं वासुदेव ने चाही समझानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी महाभारत 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 अर्जुन ने तीर चलाना युद्ध नियमों के विपरीत बतलाया कर्ण ने कब पालन किया वासुदेव ने समझाया दुर्योधन के हर कपट का उसको साझी बतलाया पांचाली को वैश्या कहा था और अभिमन्यु का जिक्र चलाया अभिमन्यु पैदल निहत्था था क्या फिर पड़ेगी बतलानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी 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 वासुदेव ने अर्जुन को बीता हुआ याद दिलाया कभी कुरु राजसभा कभी अभिमन्यु वध दोहराया फिर सारी बातें याद कर अर्जुन ने तीर चलाया निहत्थे योद्धा राधे का वध करके दिखलाया ऐसे मौत की भेंट चढ़ा वो कर्ण सातानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी कर्ण के सब को रणभूमि में सबने शीश झुकाया अश्वत्थामा ने फिर धड़ का भाग गर्दन के साथ लगाया शकुनी रोया और कर्ण को राधे कह के बुलाया ये वीरों का महावीर था जोर जोर से चिल्लाया
मैंने तेरा आदर ना किया, शकुनी ने ये बखानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत 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 महाभारत। शकुनी कहे दुर्योधन के कारण तुझको पास बैठाया। तेरे पास में बैठने से अपमानित था बतलाया। कभी अंगराज तो कभी शकुनी सूत पुत्र कह जाए। इस युद्ध में तू अमर हुआ है ये सबको बतलाए। तेरे जैसा योद्धा कोई नहीं मैंने आज ये जानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। फिर सल्ले ने आके दुर्योधन को ये बतलाया। करण वीर गति को प्राप्त हो गया ये संदेशा लाया। दुर्योधन ने उसे झूठ पांडवों की साजिश बतलाया। पिता मह और द्रोण से छल किया ये भी उसको समझाया। वो अब भी झूठ बोल करना चाहते हैं अपनी मनमानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी। सल्ले ने कहा मैं खुद अपनी आँखों देख के आया। हे राजन इसलिए बिना मुकुट के ही चलाया। सल्ले ने फिर आँखों देखा दुर्योधन को बतलाया। अर्जुन का बोला निहत्थे कर्ण पे ना चाहिए थी तीर चलानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत 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 महाभारत। सल्ले ने कहा रणभूमि में हजारों योद्धा आए। कुछ चले गए कुछ आने वाले हैं उसको ये बतलाए। पर कर्ण के जैसा योद्धा आया ना आएगा। वो धन्य है उसके जैसा न कोई युद्ध दिखलाएगा। मैंने देखी रणभूमि में उसकी तीर चलानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। कर्ण के वध की सुन के वो दुर्योधन सह ना पाया। जोर जोर से रोने लगा आँखों से पानी आया। बोला मैं कर्ण के बिना जी नहीं पाऊंगा। उसके बिना जीना ना आए कैसे रह पाऊंगा।
बिल्कुल अकेला हो गया आज मैंने ये जानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी। फिर दुर्योधन ने शल्य को सेनापति बनाया। मुझे अकेला छोड़ दो शल्य, उसको ये समझाया। दुर्योधन कहे आपके ध्वज तले मैं युद्ध ना कर पाऊंगा। गरी कल हो सका तो रणभूमि में आऊंगा। मुझे अपने मित्र राधे की शौक है मनानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत, 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 महाभारत। फिर मद्र नरेश और युधिष्ठिर आपस में टकराए। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और शल्य जीत ना पाए। युधिष्ठिर के हाथों फिर शल्य वीरगति को पाए। पता नहीं ये रणभूमि कितने रिश्तों को खाए। मामा भानजे को पड़ी आपस में खड़ग चलानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। रणभूमि सहदेव और शकुनी टकराए। ये भला रणभूमि है, यहाँ पास काम ना आए। सहदेव ने फिर शकुनी मौत शरण पहुँचाए। एक शकुनी ही था जिसने छल के खेल रचाए। शकुनी जैसे छल कपटी को ऐसी मौत ही थी आनी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी। दुर्योधन ने फिर जाके भीष्म को शीश झुकाया। जोर जोर से रोके कर्ण का शोक मनाना चाहा। भीष्म सोचे इतने दिन बाद ये क्यों आया। कैसे आए दुर्योधन तुमने ना बतलाया। शोभा नहीं देता पुत्र तुझसे योद्धा की आंख में पानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहे मैं अकेला हो गया हूँ बतलाया। मेरा भाई कर्ण मुझे छोड़ गया भीष्म को बतलाया। दुर्योधन कहे मैं इतना दुशासन वध पे भी ना रो पाया। पर इसकी मौत से कंगाल हो गया उसने ये बतलाया।
उसके बिना मैं जी ना पाऊं, मैंने ये है जानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। पिता मह भीष्म ने दुर्योधन को ये बतलाया, वो राधे नहीं था कौंते था, उसको फिर समझाया। पांडवों का भाई था सुन दुर्योधन का सिर चकराया, वो सारी बातें जानता था दुर्योधन को बतलाया। फिर भी तुम्हारी ओर से लड़ा प्राणों की दी कुर्बानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी। दुर्योधन कहे हे पिता मह मुझे समझ ना आया, सब कुछ जानते हुए भी क्यों मेरी ओर से लड़ना चाहा। उसके इसी बलिदान ने उसको अमर कराया। दोनों हाथ उठा भीष्म ने उसको सर झुकाया। बोला मेरा प्रणाम स्वीकार करो हे कर्ण से महादानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत 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 महाभारत। युद्ध समाप्ति उपरांत कुंती रणभूमि में आई, हजारों शव पड़े थे पर कहीं कर्ण दिया न दिखाई। माँ तो आखिर माँ होती पागल सी दशा हो आई। कर्ण के जैसा पुत्र खो दिया सोच के आंखें भर आई। रोती रोती ढूंढे पुत्र को आए याद पुरानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। कुंती ने कर्ण सव देखा और पास चली आई। अपने पुत्र का शव देख कर रोई और चिल्लाई। कुंती मातम मना रही सोचे कैसे ये दिन आए। तभी युधिष्ठिर अर्जुन और वासुदेव वहां आए। युधिष्ठिर कहे दुश्मन के सौ पे न चाहिए आंसू बहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी। कभी युधिष्ठिर कभी अर्जुन माँ से पूछना चाहे, दुश्मन के शव पर क्यों रोए वो जरा बतलाए। कुंती कहे तुम सभी यहाँ से चले जाओ। युधिष्ठिर कहे आप क्यों रो रही पहले ये बतलाओ।
वासुदेव कहे इसे रोने दो, इसी में भलाई है जानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत 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 महाभारत। कुंती कहे गर ना रोई तो परले आ जाएगी, गर मैंने सच बताया तो सुनी नहीं जाएगी। अर्जुन से कहा तेरा गांडीव तुझसे उठ ना पाएगा, युधिष्ठिर से कहा सच सुनकर तू भी खड़ा रह जाएगा। कुंती की बातें सुन के फिर उनको हुई हैरानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। देता गवाही देखो गंगा यमुना का पानी। महाभारत की कहानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। देता गवाही देखो गंगा यमुना का पानी। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी।